नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के चलते आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में आइकॉनिक सप्ताह को मनाते हुए रेलवे की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते प्रताप नगर रेल हेरिटेज म्यूजियम को अब निःशुल्क खोल दिया गया है। इस मामले में वेस्टर्न रेलवे के उच्च अधिकारी प्रदीप शर्मा ने ज़्यादा जानकारी भी मुहैया करवाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष में जो एक हम आइकॉनिक सप्ताह मना रहे हैं, जो 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में चल रहा है। इस आइकॉनिक सप्ताह के दौरान आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन थीम पर हम लोग जो अडास रोड स्टेशन है उस पर एग्जीबिशन और कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स को भी हमने इन्वाइट किया है। इसी दौरान ये जो बड़ौदा के प्रताप नगर का जो रेल हेरिटेज म्यूजियम है, इसको हमने आज दर्शकों के लिए निःशुल्क रूप से इसको खोला है। यह नैरोगेज का जो म्यूजियम है, ये कई मायनों में खास और ऐतिहासिक है। इसमें नैरोगेज से संबंधित बहुत सारी जो सामग्री जो हमने हेरिटेज के लिए उपलब्ध कराई है, इसमें हेरिटेज पार्क, रोलिंग स्टॉक पार्क और हेरिटेज म्यूजियम, ये तीन जो स्पॉट हैं ये देखने लायक है। इसमें नैरोगेज से संबंधित विरासत जो है, हमने इसको सहेज कर रखा है। इसमें नैरोगेज का टर्न टेबल है और अंग्रेजों के ज़माने का एक रोड रोलर भी है, कुछ पुराने कोचेज हमने एग्जीबिशन के लिए रखे हैं। तो ये विरासत है जिसका बड़ौदावासी जो है वो आज इसका लाभ उठा सकते हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।